हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शहजाद में। दोस्तों, हमने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि मोबाइल कैसे हैक करें, तो बाद व्हाट्सएप का हमने बताया था। उसके बाद हमने कल परसों जो है हमने आपको बताया था कि आप किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे हैक कर सकते हैं। तो उसमें हमने एक ट्रिक बताई थी SMS फॉरवर्डर का, कि आप किसी के मोबाइल में अगर कर देते हैं तो उसका मैसेज आपके मोबाइल में आप देख सकते हैं, किसी के मोबाइल में भी। तो उस पर हमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमारा जो है SMS नहीं आ रहा है या उस पर SMS का प्रॉब्लम आ रहा है, और बहुत सारे ने ये भी कहा था कि सर एक वीडियो इसके ऊपर बना दें, आपको बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है एक सब्सक्राइबर के कहने पर बनाई जा रही है। अगर आपको भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज इसी वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि SMS फॉरवर्डर, यानी अगर आप किसी दूसरे के मैसेज को अपने बारे में देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, और कैसे कैसे आपको पूरा SMS फॉरवर्डर को यूज़ करना है, कैसे चलाना है, ऐसे क्या क्या फ़ायदा होता है, इसके मैं पूरा बेनिफिट्स आपको बताने वाला हूं। और ये एक तरह से कह लीजिए दोस्तों, ये ऐप्स जो है जासूसी करने के लिए है। जैसे आप किसी के जो जासूस करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं उसके मोबाइल पर कितने मैसेज आए, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या करता है, किससे चैटिंग करता है, तो इस तरह से आप जो इसके SMS का पता आप लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बता दूं आपको, कि आपको ये सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज दे दूं कि आप ये आपके जानकारी के लिए वीडियोस बनाई जा रही है, आप इसका गलत मिसयूज ना करें, ये बहुत ख़तरनाक जो है दोस्तों साइड है, आप जो है इसका संभाल कर यूज़ करें। और हाँ दोस्तों, जब आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट पड़े, जैसे आपको किसी के मैसेज अपने मोबाइल में लेना है, या आप ऑफिस में हैं, अपने जो है एम्प्लॉयमेंट का लेना है, जैसे दोस्तों आपको बहुत सारे जैसे जॉब सरकारी है, इस तरह से आपको ये काम करवाते हैं, तो इससे दोस्तों आप वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं ट्रिक। तो आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है, अपने प्ले स्टोर में नहीं बल्कि दोस्तों जिसका आप मैंने पहले ही बताया था, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप जिसका मैसेज जो है अपने मोबाइल में लेना चाहते हैं, जैसे आपकी कोई ऑफिस है और अपने ऑफिस में आपको, जैसे आप हेड मास्टर हैं या आपको एक अफसर हैं, आपको अपना मैसेज जो है बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट का देना है, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो सबसे पहले जाना है, एक ऐप्स को डाउनलोड करना है, इससे से आप लिखेंगे SMS फॉरवर्डर। आप देखिए, हमने बताया था आप SMS फॉरवर्डर लिखकर के सर्च मारेंगे। सर्च मारने के बाद यहाँ पे आपको डबल मोबाइल की तरह एक ऑप्शन मिलेगा, हमने पहले इस पर ट्राई कर लिया है 2-3 नंबर का, और ट्राई करने के बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ 3 नंबर का हमने ट्राई किया है, बस उसका इंस्टॉल कर दिया था। इंस्टॉल करने के बाद फिर से हम ओपन कर रहे हैं, तो ओपन करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे ओपन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लिया ताकि आपको टाइम फालतू वेस्ट ना जाए। आप यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे, इससे देखिए ओपन हो रहा है, ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अगर यहाँ पे टिक बॉक्स ना लगा, टिक बॉक्स लगा दीजिएगा आप, लगाने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद इस तरह से मोबाइल आपका घर घर आएगा, थोड़ा सा घनघनाने के बाद 3 सेकंड लेगा, यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए, आस्क इट टू इंस्टॉल दिस ऐप्स केयरफुल, इनसे यहाँ पर आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है ओके पर क्लिक कर देंगे। जब ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लेगा, अगर आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करें तो इसका भी एक्सेस पूरा ये ले लेगा। लेने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर नेक्स्ट का एक बटन मिलेगा, नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए पूरा ऑप्शन आ गया खोल करके, यहाँ पर आपके मिलेगा रिफ्रेश का रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पोस्ट का, यहाँ पे जो है फिल्टर्स का, फिल्टर्स आपको यहाँ पे फिल्टर्स भी दबा सकते हैं, यहाँ पे प्लस आइकन दिखेगा यहाँ पर भी दबा सकते हैं। तो यहाँ पर दबाने के बाद आप क्या लेना चाहते हैं, SMS या नोटिफिकेशन, आप जो है क्या देना चाहते हैं, जैसे आप ऑफिसर हैं तो अपने नौकरों को आप क्या देना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट को, तो आप यहाँ से SMS कौन SMS देना चाहते हैं या नोटिफिकेशन देना चाहते हैं, तो आप जो भी देना चाहते हैं यहाँ से आप वो यूज़ कर लेंगे SMS। या आप किसी का जो SMS मोबाइल हैक करना चाहते हैं, जैसे आपने GF का या कोई भी और उसका आप SMS लेना चाहते हैं, तो आप उसके मोबाइल में ये ऐप्स चुपके से इंस्टॉल करेंगे, तो आप जो है उसके मोबाइल में ये ऐप्स चुपके से इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद उसके मोबाइल में कहीं पर हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद आप जो है यहाँ पर जाएंगे, प्लस आइकन पर यहाँ पर आप अपना नंबर डाल देंगे, जैसे मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कोई भी एक नंबर, आप जो भी नंबर डालेंगे तो इस मोबाइल पर कोई भी मैसेज आएगा तुरंत उस नंबर पर चला जाएगा फॉरवर्ड होकर के। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं हमने ये नंबर डाल दिया है, और नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर जो है एक मिल जाएगा सेव का ऑप्शन, यहाँ पर देखिए आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर दबाएंगे तो यहाँ पे अलाउ मांगेगा परमिशन, आप अलाउ कर देंगे, जितना परमिशन मांगे सबको आप अलाउ करते जाएंगे, इस तरह से अलाउ 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 जब आप करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से अलाउ करते करते ये ओके। अब ये देखिए आपका एक जो है वो चलेगा, आपको देख लेना 3 या 4 सेकंड का होता है, मुश्किल से आपको यहाँ से इसको कट करना है। देखिए यहाँ पर आपको एक फिल्टर्स हो गया,
अब आप इस मोबाइल पर कोई भी मैसेज आएगा तो तुरंत जो है उस नंबर पर चला जाएगा। इसी तरह अगर आपको कोई और करना फिर से आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, अगर ऑप्शन है तो आप दूसरे पर करेंगे। अगर आप अपने जीएफ के मोबाइल में कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे मोबाइल पर हो, अपने हमारे घर पर भी हो या उसके अब्बू के पास भी चला जाए मैसेज, तो इस तरह से जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसके बब्बू का नाम या किसी का नाम डाल देंगे, यहाँ पर सेव पर क्लिक करें तो इसके मोबाइल पर जब भी मैसेज आएगा तो वो आपके थ्रू उस पर चला जाएगा। एक काम और दोस्तों, जब आप अपने गर्लफ्रेंड या जीएफ या कोई और उसके मोबाइल में करें तो इस ऐप्स को ज़रूर आप हाइड कर देंगे। ऐप्स को हाइड करने वाला छुपाने वाला बहुत सारा बात है, तो इस ऐप्स को आप हाइड कर दें वरना देखेगा तो जो है बंदा इसको डिलीट भी कर सकता है। तो इसे दोस्तों आप किसी का मोबाइल हैक कर सकते हैं, उसमें उसके SMS को आप ले सकते हैं। और आप जो दोस्तों पूरी वीडियोस को देखा करें बढ़िया से, ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप पूरा देखते नहीं हैं उसके बाद आपको इसके इस समझ में नहीं आता है। और ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चलिए दोस्तों, बाय बाय, आप अपना ख्याल रखें। हाँ दोस्तों, अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे, और आप पूरी